अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लेटस और स्पेस लेटस। ठीक है, पहले हम जो है वो पढ़ चुके हैं अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड ऑर्डर होता है या वेल डिफाइंड पैटर्न होता है, या आप कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होती है किसकी, एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स की, थ्री डिमेंशंस में जो है वो अरेंजमेंट होती है। इसी को जो है वो पर्टिकुलर थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट किसकी, पार्टिकल्स की, इन अ क्रिस्टल इज़ नोन एज क्रिस्टल लेटस जो है वो। इन क्रिस्टल लेटस क्या है जो है वो थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स या थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज़ नोन एज क्रिस्टल लेटस, या पैटर्न ऑफ क्रिस्टल इज़ आल्सो नोन एज क्रिस्टल लेटस और स्पेस लेटस। स्पेस लेटस क्यों कहा जाता है, बाज़ दफ़ा इसको कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस, पार्टिकल्स यानी जो है वो थ्री डायमेंशंस के लिहाज से हम कहते हैं इन स्पेस जो है वो, स्पेस में जब भी जो है वो किसी के और ड्रॉ करना होता है तो थ्री एक्सिस के साथ ड्रॉ किया जाता है, तो थ्री डायमेंशन नहीं कहते हम, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस जो है वो कहा कह दिया जाता है, या थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज़ नोन एज अ क्रिस्टल लेटस और स्पेस लेटस जो है वो। लेटस पॉइंट्स जो है वो क्या होते हैं, लेटस पॉइंट्स को जो है वो क्या कहा जाता है, लेटस पॉइंट्स से क्या मुराद है, लेटस पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल्स को, यानी कहाँ कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, लेटस पॉइंट्स कहा जाता है। लेटस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो जहाँ जहाँ वो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, लेटस पॉइंट्स कहा जाएगा, यानी स्पेस और पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड दिस इज नोन एज लेटस पॉइंट या लेटस साइट्स जो है वो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लेटेस्ट पॉइंट्स और लेटेस्ट साइट्स जो है वो। ठीक है, या आप कह सकते हैं एरे, एरे ऑफ पॉइंट्स, एरे पॉइंट्स, पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटम आयन और मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को, इन थ्री, एरे का मतलब है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री डिमेंशंस इन अ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लेटस कहा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है वो, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या है, जैसे आपने पढ़ा, आपने बायो में पढ़ा होगा जो के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, जो आपके बॉडीज हैं, लिविंग सेल्स हैं, उन लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो बेसिक यूनिट है जिससे वो मिलके बनते हैं वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, इसी तरह यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल एंड नो हेयर जो है वो, अगर मैं ये कहूँ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल इज यूनिट सेल, यानी बेसिक जिससे मिलके जो है वो क्या बनती है, क्रिस्टल, यानी जिसके रिपीट होने से, रिपीट थ्री डायमेंशन, यानी ये पार्ट है, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, यूनिट सेल क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है जो रिपीट होता है थ्री डायमेंशंस में और वो आपको क्या देता है, क्रिस्टल जो है वो देता है, या आप कह लें कि जो रिपीटिंग यूनिट है इन अ क्रिस्टल दैट इज़ नोन एज अ यूनिट सेल जो है वो, या आप यूं कहेंगे कि यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, यानी छोटा सा हिस्सा है जो तमाम, जो क्रिस्टल की तमाम करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, जिसमें क्रिस्टल की करेक्टरिस्टिक्स के तमाम कोड्स जो हैं वो होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल जो रिपीट होता है थ्री डायमेंशंस में, और जब वो रिपीट होता है थ्री डायमेंशंस में तो उसकी वजह से क्या होती है, एंटायर क्रिस्टल जो है वो बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो आपके पास जो है वो ये एक जो है वो क्रिस्टल है। ठीक है, जो है वो हम थोड़ा सा बना लेते हैं इसको,
ये आप भी ड्रॉ करके देखिएगा। इस वक्त मैं जो है वो थोड़ा सा रफ़ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आपने जो है वो ये नीट सा ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे यूँ, और ये इधर और ये इधर और ये, और इसी तरह जो है वो ये, ठीक है। अब इसमें जो है वो ये यानी आपका जो है वो क्रिस्टल है, सपोज जो है वो ये क्या है, क्रिस्टल है। तो इसमें जो यूनिट सेल क्या है जो है वो, इसमें देखें जो है वो यूनिट सेल आपको जो है वो मैं कहती हूँ कि ये यूनिट सेल है, ये 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 ऐसे, ठीक है, ये वाला जो है ये मैं कहती हूँ कि ये जैसे ये है, ये क्या हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी, यानी थ्रू आउट द जो है वो क्रिस्टल ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको अगर मैं सिंगली जो है वो ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, यानी आपको जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे कि आपके पास, यानी अगर आप ये वाला ड्रॉ करते हैं, ये मैं क्यूब का ड्रॉ कर रही हूँ, ये, ठीक है, दिस इज़ अ यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल दैट डिस्क्राइब द इंटायर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दैट इनकोड्स द इंटायर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल दैट इज़ नोन एज अ यूनिट सेल, यानी इसमें तमाम जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जो है वो डिफरेंट यूनिट सेल्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट सेल्स किस तरह से होते हैं, यानी इसके पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो डिफ़ाइन करती हैं किसको, यूनिट सेल को डिफ़ाइन करती हैं। अब इसमें ये देखें, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़, ये एक यूनिट सेल है, इसमें ये जो चीज़ है ये एक्सियल लेंथ, एज लेंथ, इसको क्या कहा जाता है, एक्सियल लेंथ और एज लेंथ जो है वो कहा जाता है, ठीक है, एक्सियल लेंथ और एज लेंथ कहा जाता है, और इनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है जो है वो एक्सियल एंगल्स कहा जाता है, ठीक है, जो है वो जो ये आपके पास थ्री डिमेंशंस है ना, ये आप कह लें कि दिस इज़ एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज़ वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, जी प्लेन है, जी एक्सिस है, ठीक है। अब जो है वो जो अलोंग एक्स एक्सिस होगी लेंथ, जो वाई एक्सिस की तरफ होगी, जो जेड एक्सिस की तरफ होगी, यानी तीन ही है ना जो है वो, तो जो एक्स एक्सिस पे है उसको मैं कह देती हूँ वो क्या है, ए है, इसको मैं कह देती हूँ दिस इज़ बी, इसको मैं कह देती हूँ सी, यानी आपके पास ए बी सी ये तीन क्या हैं, एक्सियल लेंथ्स हैं, एज लेंथ्स हैं, लेंथ जो है वो साइड्स की आप कह लें, ये क्या है, लेंथ्स हैं, किसकी, साइड्स की जो है वो लेंथ है, ठीक है। अब जो है वो ये तीन पैरामीटर्स हो गए, ये सेम भी हो सकती हैं, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, उस बेस पे डिफरेंट यूनिट सेल्स अराइज होते हैं, यानी ए बी सी जब तीनों होंगी तो यूनिट सेल की शेप और होगी, ए बी जब एक जैसी होंगी और सी डिफरेंट होगी तो यूनिट सेल की शेप डिफरेंट, यानी डिफरेंट यूनिट सेल अराइज करेगा। इसी तरह जो है वो इनके दरमियान जो एंगल्स हैं, इनके दरमियान एंगल्स हैं, तीन फेसेस हैं, तीन लेंथ्स हैं, सॉरी फेसेस नहीं, तीन लेंथ्स हैं, तीन एक्सियल लेंथ्स हैं, और तीन ही जो है वो क्या है, एंगल्स हैं, और एंगल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा एंड गेमा। अब जो है वो जब आपने ए और बी जो एक्सियल लेंथ है उसके दरमियान कौन सा एंगल होगा, आपने ये दो छोड़ देने हैं, उसके दरमियान एंगल कौन सा होगा, गैमा होगा, ठीक है, यानी ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, गैमा होगा, ठीक है, ए और बी के दरमियान जो एंगल है, यानी ए और बी का जो एंगल है वो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, गैमा कहेंगे। इसी तरह जो
जब बी और सी का होगा तो आपने ये दोनों छोड़ देने हैं, और क्या होगा, अल्फ़ा होगा। यानी बी और सी के दरमियान ये आपके पास ये राय, ये बी और सी है, बी और सी में क्या होगा, जो एंगल है वो क्या होगा, क्या कौन सा होगा, बी और सी में एंगल कौन सा होगा, अल्फ़ा होगा। कौन सा होगा, ये अल्फ़ा जो है वो होगा। इस तरह से याद रखना है कि बी सी ये दोनों छोड़ दें, तरतीब से लिख लें, ए बी सी, अल्फ़ा बीटा गैमा। जब ए और बी करना है, यानी जो ए और बी के एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। बी और सी का एंगल कौन सा होगा, इनके इसके जो पैरेलल है वो छोड़ दें, और यहाँ पे जो है, जो रह गया है वो क्या होगा, उनके दरमियान एंगल होगा। इसी तरह ए और सी के दरमियान एंगल कौन सा होगा, ये छोड़ दें, और कौन सा होगा, बीटा जो है वो, यानी जो एक्सियल लेंथ ए और सी में एंगल क्या होगा, बीटा होगा। ए और बी में कौन सा होगा, गैमा होगा। बी और सी में कौन सा होगा, अल्फा होगा, ठीक है। ये कितने, तीन एक्सियल लेंथ्स हो गई और तीन एंगल्स हो गए, टोटल कितने हो गए, सिक्स। सिक्स क्या हो गए, ये पैरामीटर्स हो गए। क्या हैं ये पैरामीटर्स, हैं किसके, यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, यूनिट सेल पैरामीटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट सेल पैरामीटर्स कितने हैं, सिक्स हैं। इन ये सिक्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं, उस बेस पे जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम जो है वो आपके पास, या यूनिट सेल जो है वो डिफरेंट यूनिट सेल अराइज होते हैं। इनको ये जो पैरामीटर्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, यूनिट सेल को, इन सिक्स पैरामीटर्स को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर यूनिट सेल डायमेंशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट सेल डायमेंशन या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो क्रिस्टल क्लासिफिकेशन, यानी आपके पास क्या है, जो बेसिक है आपका क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स और उनकी क्लासिफिकेशन, क्रिस्टल्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जो है वो इसी बेस पे, ये जो थ्री ये डायमेंशन थी जो यूनिट सेल की, जो आपने सिक्स पैरामीटर्स पढ़े हैं, इनको यूनिट सेल डायमेंशंस कहा जाता है। इन इनके बेसिस पे जो है वो थ्री एंगल्स हैं, थ्री एक्सियल लेंथ हैं, थ्री एज लेंथ्स हैं, उनकी बेस पे जो है वो क्रिस्टल सिस्टम आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके बेस पे जो है वो सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ठीक है। उसके बेस पे क्या है, सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। अब सेवन क्रिस्टल सिस्टम, जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उनको आपने इस तरह टेबुलर फॉर्म में जो है वो याद रख लेना है, टेबुलर फॉर्म में जो है वो याद रख लेना है। टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल होगा जिसके अंदर जो है वो क्या है, यहाँ पे पहले जो है वो क्या है, आपका क्रिस्टल सिस्टम है। क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसकी लेंथ्स है, एक्सियल लेंथ्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो एंगल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ये क्रिस्टल सिस्टम जो है वो। अब इसका थोड़ा सा ट्रिक है याद रखने का, इसको आपने जो है वो एक एब्रिवेशन जो है वो दे दें जिससे आप याद रख सकें। मैं जो है वो इसको कैसे याद रखती हूँ, सी टी ओ आर एच एम टी से, सी टी ओ आर एच एम टी। अब ये मैं जो सी टी ओ आर एच एम टी, यानी ये मैंने एक लफ्ज़ बनाया हुआ है जिससे जो है वो याद करना क्रिस्टल सिस्टम को क्या है, आसान है। सी किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यूबिक को, ठीक है। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टेट्रागोनल को, ठीक है। ओ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्थोरम्बिक को, ठीक है।
आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रोम्बोहेड्रल को। इनके नाम अजीब अजीब से हैं, इसलिए जो है वो इसको याद रखने के लिए ये शॉर्ट वर्ड ये बुक में नहीं आपको मिलेगा, ये इसको जो है वो मुझे भी कहीं से मिला था। ये हेक्सा, एच स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक, एंड टी स्टैंड फॉर ट्राई क्लिनिक, जो लास्ट वाला है, दो टी है ना, तो जो है वो जो लास्ट वाला है वो क्या है, ट्राई क्लिनिक, जो है वो ट्राई क्लिनिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो है वो अब इसको तरतीब से वैसे ही लिख लेते हैं, पहले में क्या था, क्यूबिक, दूसरे में क्या है, टेट्रागोनल, ठीक है, तीसरा कौन सा था, आर्दो रोम्बिक, ठीक है। जो है वो नेक्स्ट कौन सा था, रोम्बोहेड्रल, नेक्स्ट कौन सा था, हेक्सा, यानी इस तरह सारा सबको लिख लेते हैं, हेक्सागोनल, नेक्स्ट कौन सा है, मोनो क्लिनिक, एंड लास्ट में कौन सा है, ट्राई क्लिनिक, ठीक है। ये अब आपने याद रख लिए, जो है वो इस तरह से CTORHMT से याद रख लिए। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सियल लेंस, इसमें आपने कैसे याद रखना है, इस यही तरतीब रहनी है, तरतीब नहीं चेंज करनी है आपने, ये नहीं करना कि आर्थोरम्बिक को पहले लिख लिया, क्यूबिक को बाद में लिख लिया, यही तरतीब CTORHMT के लिहाज से जो है वो। इसमें तीन आपने एक्सियल लेंस जो है वो तीन पढ़ी, ए बी और सी, इस तरह एंगल जो है वो अल्फा बीटा एंड गैमा जो है वो पढ़े। अब क्यूबिक में क्या है, क्यूबिक में आपने ये जो पहली तीन है इनमें क्या करना है, जो पहली तीन है इसमें एक्सियल लेंस जो है वो पहले कर लें, कि ये याद रखना है कि क्यूबिक जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल जो है वो क्या मतलब है, इसमें जो तीनों लेंथ्स हैं और तीनों एंगल एक जैसे होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो अनसिमेट्रिकल क्या है, ट्राई क्लिनिक है। अनसिमेट्रिकल का मतलब, ये सिमेट्रिकल क्या था कि इसमें लेंथ्स और एंगल एक जैसे हैं, ट्राई क्लिनिक अनसिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, कि इसमें लेंथ्स और एंगल्स डिफरेंट, सारे लेंथ्स यानी ए डिफरेंट होगा, बी भी डिफरेंट होगा, सी भी डिफरेंट होगा, अल्फा भी डिफरेंट होगा, बीटा भी डिफरेंट होगा, गैमा भी डिफरेंट होगा, इसमें ट्राई क्लिनिक में, ठीक है। क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल एंड ट्राई क्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ये बॉर्डर लाइन्स हैं, ठीक है। इसमें क्यूबिक में क्या है, आपने ये पैटर्न याद रखना है कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू का बी का मतलब क्या है, जो ए साइड है, जैसे जो है वो मैं अगर यहाँ पे क्यूब बनाऊँ आपके पास, ये आपके पास क्यूब है एक, ठीक है, ये गलत भी बन सकता है, ठीक है। अब ये देखें, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये ए बी सी, यानी ये ए की लेंथ, बी की लेंथ, सी की लेंथ, तीनों अगर इक्वल होते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होता है, दो तो इक्वल होती हैं, यानी दो दो एक जैसी कर दें, और तीसरी इनसे मिलती नहीं है, यानी एक जो है वो इनसे, यानी पहले क्या कर दें, जो है वो तीनों इक्वल, तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जो है वो दूसरे में क्या कर दें कि एक मिलती नहीं है तो बाकी दोनों मिलती हैं, बाकी दोनों एक जैसी हैं, तीसरे में कर दें कि तीनों एक दूसरे से जो है वो नहीं मिलती हैं, तीनों एक दूसरे से नहीं मिलती, इसका मतलब क्या है, ए बी सी तीनों क्या है, डिफरेंट है, ए भी डिफरेंट है, उसकी भी लेंथ कोई और है, यानी जो है वो कोई, यानी ये हो जाती है ए की लेंथ, जो है वो बी की लेंथ ये हो जाती है, और सी की लेंथ ये हो जाती है, देखें डिफरेंट है ना, कि जो है वो एक ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, यानी इस तरह से जो है वो उनकी लेंथ्स हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसी पैटर्न को रिपीट कर देना है, नेक्स्ट क्या करना है, इसी पैटर्न को रिपीट कर देना है। क्या पैटर्न था, कि पहले में क्या था, ए बी सी इक्वल, ठीक है, दूसरे में क्या था, ए बी के इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं है, तीसरे में क्या था, तीनों क्या है, अनइक्वल है, ठीक है, जो है, और लास्ट वाला तो था ही क्या, इसमें क्या है ही जो है वो अनइक्वल,
ठीक है। और एंगल्स भी अल्फा, बीटा और गैमा ये क्या है, इक्वल नहीं है ट्राइक्लिनिक में। और यहाँ पे क्या था, ये तमाम एंगल, अब इसको याद रखने का, एंगल्स को कैसे याद रखना है, यानी साइड्स को, ये क्या था कि पहले में तीनों इक्वल, दूसरे में क्या था कि एक अनइक्वल कर दें, तीसरे में क्या कर दिया, तीनों अनइक्वल कर दी, फिर इसी पैटर्न को रिपीट कर दिया और लास्ट वाले एक में होती ही अनइक्वल है, ठीक है। अब एंगल्स में क्या करना है, जो पहले तीन है, ये पहले तीन यानी क्यूबिक का, टेट्रागोनल का, आर्धोरम्बिक का, ये तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, इसको आपने लिख लेना है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, वो कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। यानी तीनों एंगल यहाँ पे, तीनों में जो है वो क्या होता है, 90 90 का एंगल होता है, अल्फा बीटा गैमा इक्वल किसके, 90 डिग्री के। यहाँ भी अल्फा बीटा गेमा इक्वल 90 डिग्री के, ठीक है। ये नहीं, ये इक्वल है। अब जो है वो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, इसमें तो ट्राइक्लिनिक में सारे अनइक्वल हो गए, अब ये हेक्सागोनल की तरफ आ जाए, इसमें थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। हेक्सागोनल में क्या होता है कि जो अल्फा और बीटा है, जो अल्फा और बीटा है वो किसके इक्वल है, यानी अल्फा और सॉरी जो है वो अल्फा और बीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। लेकिन जो गैमा है वो किसके इक्वल है, 120 डिग्री। यानी इसमें एक एंगल क्या होता है, वन हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। जो है वो, अब इसमें मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि मोनोक्लिनिक में अल्फा और गैमा जो है वो किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के, और जो बीटा है वो जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता, बीटा 90 के इक्वल नहीं होता, इवन 90 से थोड़ा सा बड़ा होगा जो है वो, या थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। 90 के इक्वल नहीं, अल्फा और गैमा 90 के इक्वल है लेकिन बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक में क्या है, थर्ड एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, जो बीटा है वो क्या है, क्या होता है, यानी दो जो है वो एंगल 90 के हैं लेकिन एक एंगल 90 से बड़ा, 120 भी नहीं होता, 120 से लेस और 90 से जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट अब आ गया रम्बोहेड्रल। रम्बोहेड्रल में जो है वो क्या होता है, थ्री एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, वो 90 और 120 के दरमियान में होते हैं, थ्री एंगल्स इक्वल नहीं होते, ना वो 90 के होते हैं, यानी 90 के तो होते ही नहीं है, आप लिख सकते हैं कि वो 90 के नहीं है, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा एंड गैमा नॉट इक्वल टू 90, एंड यानी 90 और 120 के दरमियान। रम्बोहेड्रल में क्या है, 90 और 120 के दरमियान जो है वो होते हैं, ठीक है। जो है वो अभी यानी रम्बोहेड्रल, ये आपको हेक्सागोनल में क्या था कि दो एंगल एक जैसे हैं 90 के हैं, तीसरा एंगल 120 का है। मोनोक्लिनिक में क्या है, दो एंगल एक जैसे हैं लेकिन तीसरा एंगल जो है वो 90 से बड़ा है। रम्बोहेड्रल में क्या है, तीनों एंगल्स ही डिफरेंट हैं, तीनों एंगल 90 और 120 के दरमियान में है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाए, क्यूबिक में डायमंड, आपने एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल आप याद कर लें, डायमंड है आपके पास, NaCl है, इसकी एग्जाम्पल ये है, मोस्ट फेमिलियर जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं, डायमंड और NaCl जो है वो। इसी तरह जो टेट्रागोनल में है वो वाइट टिन, टिन जो है वो आपके पास, टिन जो है वो आपने पहले पढ़ा होगा, और जो है वो इसका जो है वो ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ठीक है। और आर्धोरम्बिक में जो है वो, आर्धोरम्बिक में जो है वो कौन सी है, आयोडीन है आपके पास और सल्फर, आपने पढ़ी होगी आयोडीन और सल्फर। रम्बोहेड्रल में जो है वो कौन सा है, जो आपने उसमें आइसोमॉर्फिज्म में सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो पढ़ा था, ठीक है, वही याद रख लें। हेक्सागोनल में आइस जो है वो याद रखें कि आइस के जो है वो हेक्सागोनल होती है, जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल होता है, यानी आइस और ग्रेफाइट, यानी दो दो तीन तीन एग्जांपल याद कर लें। जो मोनोक्लिनिक में आपने शुगर और सल्फर याद रखना है, ठीक है, शुगर और सल्फर। ट्राइक्लिनिक में जो है वो आपके पास आ जाता है कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और साथ में पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। यानी क्यूबिक में क्या था NaCl और डायमंड, टेट्रागोनल में क्या है वाइट टिन, ऑर्थोरम्बिक में क्या है आयोडीन और सल्फर, रोम्बोहेड्रल में क्या है पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, हेक्सागोनल में क्या है आइस और ग्रेफाइट, और मोनोक्लिनिक में क्या है शुगर और सल्फर, और ट्राइक्लिनिक में क्या है कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेटेड और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपने ये क्रिस्टल सिस्टम्स की डायग्राम जो आपकी बुक में दी हुई है वो आपने बनानी है, खुद से बनानी है। जैसे मैंने यूनिट सेल जो है वो ड्रॉ किया, या आपको मैं जो है वो एक दो बना के दिखा देती हूँ कि आपके पास क्यूबिक है, क्यूबिक को मैंने पहले भी ड्रॉ किया है, अब फिर जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। ये क्या है, दिस इज़ जो है वो क्यूब, ठीक है, ये क्या है क्यूब को ऐसे जो है वो ड्रॉ करना है। इसी तरह जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल को आप जो है वो इस तरह से दो बना के उनको क्या कर दें जो है वो इस तरह से ये मिला दें, इनको इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ये हेक्सागोनल जो है वो बन गया। इसी तरह जो है वो बाकी आप लोगों ने जो है वो ट्राई करने हैं, ठीक है। जो है वो ये आपका था सॉलिड। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज में, वो मोस्टली जो है वो मैंने करवाया हुआ है आपको। उसमें एक क्वेश्चन है जो ये हेक्सागोनल से रिलेटेड है, वन ऑफ द यूनिट सेल एंगल ऑफ हेक्सागोनल, यानी हमने पढ़ा जो हेक्सागोनल है उसमें क्या होता है, जो दो एंगल्स हैं वो एक जैसे हैं, यानी अल्फा और बीटा जो है वो 90 के हैं, लेकिन गैमा जो है वो कितने का है 120 का होता है। हेक्सागोनल में ये पढ़ा। अब वो कह रहा है कि वन ऑफ द एंगल इन हेक्सागोनल इज 120, वाई कैसे आप प्रूफ करेंगे? हमें पता है जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इसका आपकी हेल्पिंग बुक्स में भी दिया होगा, इंटरनल जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, N-2 π रेडियन के इक्वल जो है वो होता है। N का है नंबर ऑफ जो है वो कॉर्नर्स, हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन का मतलब है उसमें 6 कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा N6-2 जो है वो, और पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। तो 6-2 करें तो 4, ये कितना आता है 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 720। यानी ये सम है किसका, इंटरनल एंगल्स का। तो कितने एंगल्स होते हैं, कितने एंगल्स जो हैं वो होंगे, 6 जो है वो होंगे ना, 6 जो है वो एंगल्स होंगे, तो 720 को क्या कर दें 6 पे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 120, यानी हर एंगल कितने का होगा 120 का होगा, ठीक है। ये था जी आपने कहा सॉलिड, ये सॉलिड के बारे में हम जो है वो इतना ही पढ़ना था, बल्कि लिक्विड में भी मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा दिया है। ये जो है वो जो आपके सिलेबस में है वो इतना ही है कि आपने उसमें पढ़ना था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और ये क्रिस्टल्स और उनकी क्लासिफिकेशन, और जो ये क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है। मोस्टली जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 के मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल से रिलेटेड थे, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है।